लगातार तीसरी बार मोदी सरकार। नरेंद्र मोदी इतिहास रचने जा रहे हैं। अब से ठीक डेढ़ घंटे बाद वो प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेने वाले हैं। उनका कैबिनेट उनके साथ मंत्री पद की शपथ लेगा। इन सब पर लगातार कवरेज नॉनस्टॉप आप देखेंगे। एक ऐसा शख्स जो लगातार 2001 से हर चुनाव को लीड करता हुआ उस चुनाव को जीत रहा है, लगभग 13.5 साल तक तीन बार मुख्यमंत्री रहने के बाद अब वो तीन बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। और ये तस्वीर आपके सामने है, करीब 2.25 घंटे बाद प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे नरेंद्र मोदी। और आज का दिन वो इतिहास इस नजरिए से भी रचेंगे कि लगातार तीसरी बार अगर जवाहरलाल नेहरू के बाद इस देश में कोई प्रधानमंत्री के तौर पर चुना जा रहा है तो वो नरेंद्र मोदी है। ये उनके तमाम मंत्रियों की आप तस्वीर देख रहे हैं क्योंकि माना यही जा रहा है। और बड़ी खबर के साथ शुरुआत करते हैं। बिहार से 8, गुजरात से 6, महाराष्ट्र से 6 मंत्री अगर बन रहे हैं तो जेपी नड्डा हिमाचल प्रदेश के कोटे से मंत्री बनने वाले हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मंत्री बनेंगे। आपको याद होगा अध्यक्ष बनने से पहले वो स्वास्थ्य मंत्री थे और एक बार फिर से उन्हें मोदी मंत्रिमंडल में जगह मिलने वाली है। ये वो तमाम चेहरे हैं जिसमें आप देख रहे हैं। गिरिराज सिंह बिहार के कोटे से फिर से बन रहे हैं। ललन सिंह जो आगे की कतार में बैठे वो बिहार के कोटे से बन रहे हैं। हमारे साथ कई सारे हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं जिनके साथ हम चर्चा करेंगे, जानेंगे, समझेंगे कि आज यूपी से सबसे ज्यादा जो 9 मंत्री बन रहे हैं इसको किस तरह से डिकोड किया जाए। गुजरात से 6, महाराष्ट्र से 6, तो बिहार जहां पर परफॉर्मेंस रिपीट नहीं हो पाई उस नजरिए से 30 सांसद आए हैं, वैसे में वहां पर अगर सीधा ये बड़ा जंप मिल रहा है और यहां पर कई सारे मंत्री बन रहे हैं। श्वेता सिंह हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ गई है, कई राजनीतिक मेहमान भी जुड़े हैं। लेकिन श्वेता, सबसे पहले आपकी नजर 3 सबसे बड़े टेक अवेज जो आपकी नजर में इस पूरे मंत्रिमंडल में है और आज का दिन बहुत बड़ा है, नरेंद्र मोदी एक इतिहास रचने जा रहे हैं। आज तक 2001 से लगातार कोई ऐसा चुनाव नहीं जो वो हारे हैं और हर बार जीत कर वो आगे बढ़े हैं बतौर मुख्यमंत्री और अब तीसरी बार प्रधानमंत्री। बहुत बड़ी कामयाबी है, भले ही इसे थोड़ा डाउनप्ले भी किया गया शुरुआत में आंकड़ों को देखकर, लेकिन 240 तीसरे टर्म में अपने हासिल कर लेना भारतीय जनता पार्टी अकेले दम पर, यह भी एक बहुत बड़ी कामयाबी है। अब ये जरूर कहा जा रहा है कि अभी तक कभी ऐसा हुआ नहीं कि नरेंद्र मोदी को एक ऐसी सरकार चलानी पड़े जहां पर उनकी अपनी पार्टी अकेले दम पर बहुमत में न हो, लेकिन मुझे लगता है कि एक नई शुरुआत जो यहां से होगी उसमें अगले 5 साल बहुत कुछ देखने को होगा। हालांकि ऑपोजिशन तो अपनी तरफ से यह कहता है कि 5 साल बहुत दूर की बात कर रहे हैं, लेकिन यही देखने वाली बात होगी। तो शुरुआत तो एक ऐसी फुटिंग पर हुई है जहां पर जो साथी हैं वो सब खुशी लग रहे हैं। एक जीतन राम मांझी को थोड़ा सा लग रहा था कि कहीं डावाडोल ना हो जाए और वो कह रहे थे फोन नहीं आया, लेकिन आखिरकार पता चला उनके लिए भी सब ठीक ठाक है और उनकी तरफ से भी एक्स प्लेटफॉर्म पर लिख दी गई अपने मन की बात। लेकिन अंजना, चूंकि आप और हम एक ही राज्य से आते हैं और उस राज्य के मिजाज को समझते हैं, तो मेरे हिसाब से सिर्फ एक चीज थी कि जातीय बैलेंस जो बाकी राज्यों के हिसाब से बनाया गया और बिहार को इससे पहले वो जातीय बैलेंस मिला था, इस बार वो चीज फिलहाल नहीं है, शायद दूसरी चीजों को देखा जा रहा है। और ये बात तो है ही कि जहां जहां पर चुनाव होने हैं विधानसभा के, उन राज्यों को उनके स्ट्रेंथ के बावजूद वो प्रतिनिधित्व अभी दिया गया है, लेकिन बिहार पर अभी बिहार के लोगों की उस जातिगत आधार पर मंत्रियों के जरूर नजर होगी। अंजना, ठीक है, ये भी दिलचस्प है देखना। और सबकी नजर इस बात पर है कि भूमिहार कोटे से 2-2 वहां पर मंत्री बन रहे हैं। इन सब पर हम लोग चर्चा करेंगे, चाहे वो ललन सिंह हो, गिरिराज सिंह हो।